केतन में थे और उन्होंने और अब मुरारी बाप बुला रहे स्वागत शहंशाह आलम दो जहां परवरदिगार हमारे जुगल बिहारी सरकार के दरबार में आज दरबार के सबसे बड़े नूर सबसे बड़े ताज और संतों के सम्राट श्री बापू का इस दरबार में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। श्री बापू की रहनुमाई में यह दरबार आज बहुत नूरों से चमक रहा है। मैं आशा यही करूंगी कि बापू सदा सदा जैसे दो जहां परवरदिगार ने हम सब पर इतनी बरकत बरसी है वैसे पूज्य बापू की आज रहनुमाई में बापू इतनी बरकत हम सब पे बरसाएं कि हम सब में भक्ति का नूर चमक उठे। बापू से यही इल्तजा है। बिल्कुल अब उनके शान में अब ठाकुर जी की शान में थोड़ा सा एक आदरणीय बापू जी आपके चरणों का स्पर्श करके मैं यही कहूंगी कि जुगल बिहारी जी की तरफ इशारा है मेरा कि वो जो चाहे तो क्या से क्या हो जाए, वो जो चाहे तो क्या से क्या हो जाए, अंधा देखे लंगड़ा नाचे गूंगा गाना गाए, वो जो चाहे तो क्या से क्या हो जाए। उच्च बापू की शान में श्री जुगल बिहारी जी की परवानगी से आज उनका हम स्वागत करने लायक नहीं पर ठाकुर उनका खूब जोर से स्वागत कर रहा है। आप सब लोग ये शाल उड़ा के अब अजीबों का शहंशाह कब अजीम और शान शहंशाह परमा रबा हमेशा हमेशा नहीं रहे मत रहे तेरा हो क्या बयां तू शान है दो जहां रूहानी हम सब की सब रूहों की तू है जा मरहबा हो मरहबा
مرحبا مرحبا عظیم شان شہنشاہ فرمانوا ہمیشہ ہمیشہ تیری رحمت رہے تیرا ہو کیا پایا تو شان ہے دو جہاں ہندوستان سب روحوں کی تو ہے جا مرحبا 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 آنگن ماں پریم ہے تمہارا ہر ہر من ماں تانا رے را 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 دیا جو تم نے مہامئی ہے دیس مسک کی ہوا چلی ہے چن 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 مرحبا 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 عظیم شان شہنشاہ جدھر سے گلیوں گلیوں رحمت برسے محبت ہم سب پر ہے تیرے حمد جتنا کہیں ہم اتنا کم ہے عشق علم کا تو سنگم ہے مرحبا 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 عظیم شان شہنشاہ مرحبا 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 مرحب
शान में आज हमारी तरफ से बाबू का शान हमेशा और जितने दिन सूरज चढ़े महकता रहे, और हम उनकी रहनुमाई में सदा ऐसे ही करते। और आपने जो कुछ भी फरमाया उसके बाद मैं यही कहूंगी कि मरहबा मरहबा मरहबा। जुगल बिहारी जी की भक्तनों ने जो ये आइटम पेश की, वाकई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये आइटम जो थी इसमें उनके मन की भावना जो प्रकट हो रही थी, उनकी भक्ति जो झलक रही थी, उसका बहुत ज़्यादा असर था। और आदरणीय बापू जी के सामने मैं एक दफ़ा और ये शेर पढ़ना चाहती हूँ। अपने मुल्क की मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मिट्टी में मिलने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आदरणीय पूजनीय बापू जी, आपको सुन सुन के मैंने बोलना सीखा है। बहुत थरथरा रही हूँ, बहुत घबरा रही हूँ, जबान मेरी लड़खड़ा रही है कि आज आपके सामने मैं कैसे बोल पाऊँगी, लेकिन आपका आशीर्वाद अगर रहा तो मैं बोलती रहूँगी। लेकिन अब मेरी राजू बहन, इस खुशी के इस माहौल जन्नत में चार चांद लगाने के लिए हमने खास तौर से अजमेर शरीफ के मशहूर कव्वाल श्री जाकिर अली भाई, उनके साथ कलाकारों को ठाकुर जी के शान में नए नए जगमगाते हुए सुरीले सूफी नगमों, शेरों, गज़लों और उनको लेकर के दावत दी है, जिन्हें सुनकर आप सभी का दिल बाग बाग हो जाएगा। आज जाकिर भाई उनकी पार्टी के इस जश्न दरबार में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर नए अंदाज के साथ, क्यों ठीक बात है, आपके लिए ये नया अंदाज है कि जो ठाकुर की शान में आप पेश हो रहे हैं, हमेशा आप दरगाह पीर पे करते हैं, आज ये हमारा खुदा का घर है। इन पंक्तियों के साथ कि सुरीली चांदनी गाए सुरीला चांद भी गाए, सुरीली चांदनी गाए सुरीला चांद भी गाए, सितारे झूम के गाए नज़ारे नूर बरसाए, जाकिर भाई ऐसी कव्वालियाँ गाए, जाकिर भाई ऐसी कव्वालियाँ गाए कि जन्नत भी जमीन पे उतर आए। इनको आह्वान करती हूँ कि सबसे पहले इनकी शान तो हो गई, आप इनकी शान में दो कव्वाली की रिक्वेस्ट। हेलो सामईन हजरात, सबसे पहले तो ज़की अली ज़ाकिर अली का सलाम कबूल करें। हमें सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि अजमेर शरीफ से सरकार गरीब नवाज की दरगाह से हमें यहाँ आने का मौका मिला और ठाकुर साहब की खिदमत करने का मौका मिला। समात फरमाएं, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ विराजमान बापू जी, जिनके दर्शन भी आज मुझे प्राप्त हुए, बड़ा किस्मत वाला हूँ मैं कि ऐसी जगह पर आया हूँ। समात फरमाइए कुछ कलाम।